चित्रकूट क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता का इस्तीफा, चुनावी प्रयासों पर धड़कता सवाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे बगावत की चिंगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। चित्रकूट क्षेत्र के नेता सुभाष शर्मा डॉली ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे चित्रकूट क्षेत्र के युवा नेता सुभाष शर्मा डॉली ने शुक्रवार को भाजपा के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। डॉली ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण स्पष्ट करते हुए डॉली ने कहा है कि चित्रकूट क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से वो लगातार क्षेत्र के गांव चौपाल में पहुंच रहे हैं और लोगों के संपर्क में हैं। इन दिनों में यह स्पष्ट हुआ है कि दो बार हार चुके नेता को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने से लोगों में असंतोष है। डॉली ने कहा कि उनके समर्थक भी भाजपा के इस फैसले से नाखुश हैं और भाजपा के साथ नहीं हैं। ऐसे में उनका भाजपा में रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सुभाष ने भाजपा अध्यक्ष को भेजे त्याग पत्र में कहा कि क्षेत्र की जनता को उनसे अपेक्षा थी कि वे भी जनता के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब जब अवसर आया तो भाजपा ने उसे ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो दो बार हार चुका है। भाजपा में रहकर 10 वर्ष का समय उन्होंने गंवा दिया है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके हैं, इसलिए अब भाजपा से त्याग पत्र दे रहे हैं। बता दें कि चित्रकूट क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार को भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से ही यह बगावत की आशंका जताई जाने लगी थी। सुभाष शर्मा के समर्थन में यहां तमाम सभाएं चल रही हैं, गांव-गांव हो रही सभाओं में जन समूह उमड़ रहा है। हालांकि भाजपा शायद यही सोच रही है कि डॉली की बगावत उसके लिए सकारात्मक परिणाम का सबब बन सकती है। सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र में चुनाव की तैयारी जोरों पर थी और इसके बीच सुभाष शर्मा डॉली जैसे वरिष्ठ नेता की भाजपा से इस्तीफा देने से पार्टी के लिए एक बड़ा क्षति हो सकती है। डॉली का इस्तीफा आने वाले चुनावों में प्रभावकारी हो सकता है, क्योंकि वे एक बड़े चुनाव क्षेत्र के प्रमुख थे और उनके समर्थन में वोट का बड़ा हिस्सा जाता था। डॉली के इस्तीफे के पीछे की कहानी में एक और पहलू भी है, जिनमें उनके चित्रकूट क्षेत्र से भाजपा टिकट प्राप्त न करने का दुखद परिणाम है। वे नाराज थे क्योंकि उन्हें चुनावी प्रत्याशी बनाया नहीं गया था, जबकि वे चित्रकूट क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं मिलने से नाराजगी हुई थी और इस नाराजगी ने उनके इस्तीफे का मार्ग पकड़ लिया। चित्रकूट क्षेत्र के नेता सुभाष शर्मा डॉली का इस्तीफा देने से वे खुद को एक साथी उपासक और समर्थकों का नेता साबित करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया गया। यह उनके और उनके समर्थकों के बीच असंतोष का कारण बना और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। डॉली के इस इस्तीफे का प्रभाव पार्टी के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि चित्रकूट क्षेत्र में वे एक बड़े नेता थे और उनके समर्थन से पार्टी को वोट मिलते थे। इसके अलावा वो युवा नेता थे और उनके इस्तीफे से पार्टी की युवा शक्ति पर भी गिरावट का खतरा है। इस इस्तीफे से साफ हो जाता है कि चित्रकूट क्षेत्र के नेता सुभाष शर्मा डॉली के पास पार्टी के प्रति गहरी नाराजगी थी और वे अपने समर्थकों के साथ इस नाराजगी का अभिवादन करने के लिए इस्तीफे देने का निर्णय लिया। इस इस्तीफे के परिणाम स्वरूप चित्रकूट क्षेत्र के चुनावों में भाजपा को एक महत्वपूर्ण नेता की कमी होगी, जिससे पार्टी के चुनावी प्रयासों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस घड़ी में भाजपा की जिम्मेदारी होती है कि वे डॉली के इस्तीफे को ठीक से संगठित करें और चित्रकूट क्षेत्र में एक विजयी प्रत्याशी को चुने, ताकि पार्टी की जीत के लिए यह कठिनाइयां ना बने। चित्रकूट क्षेत्र में चुनाव आगामी है और इस इस्तीफे के परिणाम स्वरूप वहां के नेताओं को अब पार्टी को जीत के लिए एकजुट रहने का सामर्थ्य दिखाना होगा। चित्रकूट क्षेत्र के नेता सुभाष शर्मा डॉली के इस्तीफे के साथ ही भाजपा के चुनावी यातायात में चुनौती का सामना करना होगा। पार्टी की जिम्मेदारी है कि वे उसकी जगह एक अच्छे प्रत्याशी को चुने और चित्रकूट क्षेत्र में वोट की जीत के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।